अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मछली के सालन की रेसिपी। सबसे पहले हम पैन लेंगे और पैन में हम एक कप जो है वो तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम सबसे पहले फ़िश ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम तेल में जो है सबसे पहले फ़िश को फ्राई करेंगे और ये हम इसलिए करेंगे ताकि जो भी स्मेल है फ़िश की वो ख़त्म हो जाए और इसकी बदबू जो है ना वो तेल में फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक टिप है और बहुत ही यूज़फुल टिप है अगर आप अपने घर में फ़िश बनाते टाइम इसको यूज़ करें। अच्छा, हमने जब इसके अंदर फ़िश ऐड करी है तो हमें ये करना है कि 3 मिनट तक हमने एक साइड से इसको फ्राई करना है, ठीक है। 3 मिनट हम एक तरफ से फ्राई करेंगे और 3 मिनट ही जो है हम इसको दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। अब आप चेक करें, हमारी ये फ़िश जो है 3 मिनट कंप्लीट हो चुके थे तो हमारी एक फ़िश जो है वो साइड से फ्राई हो चुकी थी। अब हम इसको पलट रहे हैं और एक एक करके इसी तरीके से हम अपने सारे जो इसके पीस हैं फ़िश के वो पलट देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी मिल रही है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी है। अब हमारी फ़िश को जो है वो दूसरी तरफ से भी हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया था तो अब हम इसको जो है ना निकाल लेंगे, प्लेट आउट कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़िश पसंद करते हैं आप लें और आप उसके कितने बड़े जो है वो साइज़ की उसको रखना चाह रहे हैं। अच्छा, फ़िश निकालने के बाद हम हमारे पास आ गया ये तेल और तेल में हम उसी तेल को हमने यूज़ करा है और 1 चम्मच जो है हमने इसके अंदर मेथी दाना ऐड करा है, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये मेथी दाना जो है ये इसमें वो आना शुरू हो जाएंगे, बबल्स हमारा पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 2 अदद प्याज ली थी जिसको मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज को ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर और हम अपने प्याज को जो है वो पकने छोड़ देंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी। अब हमारी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें, हमने इसको अच्छे से भुना है तेल में ना। जब हमारी प्याज भुन जाएगी तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी प्याज के साथ जो है हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसे हुए टमाटर। ये भी मैंने 2 ही अदद लिए थे और इसको पीस लिया था। जब हमारे टमाटर पकना स्टार्ट हुए तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हमने लिए 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली थी लाल मिर्च। आप जो लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही नमक ऐड करा है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करी थी और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है आप डाल सकते हैं।
मैंने जो है वो एक ही चम्मच डाला था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर लग रहा था। बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और आप लोग ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करिएगा, इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली है। अब आप चेक करें, हम जो है इसको भून रहे हैं, हमारा मसाला जो है वो पूरा भुनने की तरफ आ गया है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे और देन हम इसके बाद इसके अंदर फिश ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रख ली है। फ़िश हमारी पहले से ही ऑलमोस्ट जो है वो 75% to 80% डन हो चुकी थी, हमने फ्राई कर ली थी। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें जो है वो ऐड करी हैं और अब हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश बहुत नाजुक सी होती है, भाई वो टूट वगैरह जाएगी। तो अब हम इसको ऐड करने के बाद जो है बस पलट देंगे कि मसाला इसमें लग जाए और इसके बाद हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर जो है वो 2 ग्लास पानी ऐड करा था। आप इसका कलर देखें, कितना कोई खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। ये पकने के बाद भी बहुत ही मज़े की थी और हमने 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड करा है। अब हम इसको पकने के लिए इसके मसाले को छोड़ देंगे। लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और बस हम इसको 5 मिनट तक जो है वो पकाएंगे। आपको अपने हिसाब से ग्रेवी रख लीजिएगा आप कितनी पसंद करते हैं। अरे 5 to 10 मिनट्स बाद जब हमने इसको चेक करा है तो ये हमारा सालन जो था ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में काइंडली ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।